अजीत सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए बस इतना पूछना था कि इज़ इट पॉसिबल कि हम जो हमारा कमीशन स्ट्रक्चर है 3%, 4%, 5%, जो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं 3%, उसको चेंज करके जो हमारे एंट्री लेवल है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। इससे हमारा पे आउट जो है वो एक्सटर्नल यू नो दिखाने अच्छा रहेगा कि वॉट वी अर्न। बस इतना ही पूछना था, थैंक यू वेरी मच। जोहेद जी नमस्कार, काफी अच्छा सवाल है आपका। जब हमने ये प्लान बनाया था इसमें हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे और फाइनली जाके हमने ये डिसीजन लिया था कि नीचे वालों को नेटवर्किंग कमीशन के परसेंटेज कम हो गए और ऊपर वाले को ज्यादा हो गए। इसकी दो वजह है। पहली वजह यह कि जब आदमी नया ज्वाइन करता है तो उसे रिटेल बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसमें 25-40% डिस्काउंट्स मिलते हैं जो उसकी रिटेल इनकम बन जाती है। और दूसरी वजह यह है कि अगर हम आगे जाने के लिए लोगों को इंसेंटिव नहीं देंगे तो लोग आगे क्यों जाएंगे। सेकंड, एक बड़ी टीम बना के मेंटेन करना ये भी बहुत एक कठिन काम होता है। और इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लान बनाया था। आपका सजेशन वैलिड है लेकिन सभी मायनों का ध्यान रखते हुए हमने ये निर्णय लिया था। एंड रिटेल एंड नेटवर्किंग का कॉम्बिनेशन है नेट सर, और ऑल द बेस्ट। एंड मैं आशा करता हूं कि आपको जल्द से जल्द बड़े से बड़े चेक हासिल हो। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम महिपत सिंधा है, बड़ौदा गुजरात से। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप जो सोचते हैं दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो आप कहां से ऐसी अच्छी सोच लाते हो? आप कहां से इंस्पायर होते हो? क्योंकि हर बार आपको जो सुनते हैं हम तो कुछ नया होता है और लोगों के भलाई के लिए होता है। उससे लोगों को प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिलता है, दूसरों का भला करते करते लोग अपना पर भला करते हैं। थैंक यू सो मच। महिपत जी, काफी दिल को छूने वाला सवाल है आपका। मुझे प्रेरणा मिलती है मेरे परिवार से, जिसमें सर्वप्रथम है मेरे पिताजी। उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि वो हमेशा कहते हैं कि सभी का अच्छा करो, उसका व्यवहार आपके साथ कैसा भी हो फिर भी उसका अच्छा करो और फिर भी किसी का बुरा मत सोचो। दूसरी मुझे प्रेरणा मिलती है मेरे परिवार, जो मेरा नेक्सर परिवार है, आप लोगों से। आपकी जो कहानियां हैं, आप लोग की जो संघर्ष की, मेहनत की और विश्वास की जो कहानी है, आपने जो नेक्सर पे विश्वास रखा है और आप जो अपना पूरा सब कुछ नेक्सर पे न्योछावर कर देते हो, इससे मुझे काफी प्रेरणा मिलती है। और तीसरा, अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपनी धर्मपत्नी, बच्चों से, भाई बहनों से, इन सभी से, तो परिवार जो है इन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सके। इसीलिए तो कहते हैं ना, नेक्सर वो खास बिजनेस है जो एक आम आदमी देश की जरूरतों को पूरी करके अपना जो है करियर बनाता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, मेरा नाम है राहुल पाटिल, मैं एक नेटसर्फ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं हमारा जो नेटसर्फ का प्लान है, जब भी किसी को बताने जाता हूँ तो मन में एक डर रहता है सर कि सामने वाले सुनेगा या नहीं सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा, ज्वाइन होगा या नहीं होगा। तो सर, इस डर को कैसे दूर करें सर? नमस्कार राहुल जी, आपने जो सवाल पूछा है वह हर इंसान के जहन के अंदर का सवाल है। बचपन से लगाकर जब तक हम बड़े हो जाते हैं, ये सवाल हमेशा रहता है कि आगे वाले से बात कैसे करें। तो मैं आपको मेरे बचपन का एक किस्सा सुनाता हूं। मैं 12-13 साल का था, हमारे दादाजी के साथ दुकान पर जाया करता था, चांदी की दुकान थी। और तब जब ग्राहक आते थे तो दादाजी कहते थे आप उनसे बात करो, तो मुझे डर लगता था कि मैं इनसे कैसे बात करूं। तब मेरे दादाजी ने एक बात मुझसे कही थी जो मैंने अपने दिल में डाल दी, अपने दिमाग में डाल दी। उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा। तो मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि अगर आप बोलोगे तो कंकर भी बिक जाएगा, नहीं बोलोगे तो सोना भी अंदर पड़ा रह जाएगा। तो डर के आगे जीत है, हिम्मत कीजिए, बात कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।